नमस्कार दोस्तों, नॉलेज विद गनू चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है अपने YouTube सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करें। दोस्तों, इस पे काफ़ी ज़्यादा वीडियो बन रखे हैं YouTube पे कि अपने चैनल सब्सक्राइबर को हाइड कैसे करें, लेकिन वो पुराने मॉडल में है। जो अभी न्यू स्टाइल आया है, YouTube अपना वर्जन अपडेट किया है, उस स्टाइल में मैं आपको बताऊँगा। प्लीज़ वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। दोस्तों, आप अपने गूगल पेज पे जाइएगा, उसमें टाइप कीजिएगा youtube.com। जैसे टाइप करने के बाद एक इस टाइप का उसके बाद आप होम पेज पे जाइएगा, वहाँ पे YouTube लॉगिन आपको दिखेगा। YouTube लॉगिन पे क्लिक कीजिएगा, इंटरफेस खुलेगा जो कि YouTube स्टूडियो है। इसको खुलने के बाद आपको एक पेज ओपन होगा जो कि आपका YouTube चैनल है, उसका लोगो आए। आपका एक इस टाइप का इंटरफेस खुलेगा जिसमें आपका YouTube का आइकॉन रहेगा ऊपर साइड, राइट हैंड साइड में देखिए, जो एरो से इंटीमेट किया गया है। उसी के नीचे रहेगा चैनल, कस्टमाइज चैनल एंड मैनेज वीडियो। फिर कस्टमाइज चैनल पे आप क्लिक कर दीजिएगा। फिर उस जैसे क्लिक करेंगे, सेम टाइम आपका एक पेज ओपन होगा जो कि आपका चैनल के बारे में ही रहेगा, होम पेज में ओपन होगा। और उसके सबसे नीचे में, नीचे वाले कॉर्नर में आप देखेंगे तो दो छोटे छोटे पॉइंट रहेंगे जो कि सेटिंग का पॉइंट है, उसे मैं डिस्प्ले करना चाहूँगा, अभी कर रहा हूँ, आप ध्यान दीजिए। फिर से देखिए, राइट साइड में ऊपर में आपका YouTube लोगो रहेगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। आप क्लिक करने के बाद एक छोटा सा पेज ओपन होगा, स्क्रीन पर ही देखिए आप, योर चैनल YouTube स्विच्ड अकाउंट इस टाइप का लिखा रहेगा, एरो मार्क्स ऑलरेडी इंटीमेट किया गया है। तो प्लीज़ दोस्तों, योर चैनल पर आप सिलेक्ट कीजिएगा। जैसे योर चैनल आप क्लिक करेंगे, फिर एक पेज ओपन होगा जिसको मैं शो कर रहा हूँ। दोस्तों, योर चैनल पे क्लिक करते हुए ही एक इस टाइप का सेटिंग पेज ओपन होगा, इसको सेटिंग पेज बोलते हैं। लेफ्ट साइड में कॉर्नर में नीचे देखिएगा, दो छोटे छोटे पॉइंट मिलेगा, उस सेटिंग का ऑप्शन है। ऊपर वाले पॉइंट पर आप क्लिक कीजिएगा जिससे आपका सेटिंग ओपन हो जाएगा। जैसे सेटिंग ओपन होगा तो इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होगा जिसमें जनरल, चैनल, अपलोड डिफ़ॉल्ट, परमिशन, कम्युनिटी एग्रीमेंट इस टाइप का कुछ लिखा रहेगा। फिर इसके बाद आप जनरल में नहीं, चैनल में जाके क्लिक कीजिएगा, एरो मार्क दिया। चैनल पे क्लिक करते ही एक पेज ओपन होगा जिसमें बेसिक इन्फो, एडवांटेज सेटिंग, फ्यूचर एलिजिबिलिटी रहेगा लिखा हुआ। तो आप एडवांस सेटिंग में जाएंगे, एडवांस सेटिंग के को जाने के बाद स्क्रॉल करेंगे, आप नीचे साइड में लिखा रहेगा, नीचे में सब्सक्राइबर काउंट, उसके नीचे लिखा रहेगा डिस्प्ले द नंबर ऑफ पीपल सब्सक्राइब टू यू माय चैनल, माने आपका चैनल को कितने लोग सब्सक्राइब किया हुआ है उसको डिस्प्ले करवाना चाहते हैं या नहीं। अगर इसको सिलेक्ट आप कर देंगे तो आपका चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर है वो यूट्यूब चैनल पर शो होगा। अगर दोस्तों, अगर इसे आप सब्सक्राइब क्लिक नहीं करते हैं, माने मीन्स सिलेक्ट नहीं करते हैं, तो आपका चैनल में जितने भी सब्सक्राइबर है वो हाइड हो जाएगा, वो नहीं दिख। फिर आपका चैनल का जितने भी सब्सक्राइबर है वो देखना बंद हो जाएगा अगर इसको आप सिलेक्ट नहीं कर रहे हैं तो। दोस्तों, अगर इसको सिलेक्ट करेंगे तो आपका क्या है ना कि कम भी सब्सक्राइबर रहेगा तो लोग, क्या होता है, ह्यूमन टेंडेंसी है कि अगर सब्सक्राइबर कम है तो आपके वीडियो को वो नहीं देखेंगे या नहीं देखना चाहते हैं, वो सोचते हैं कि इनका वीडियो उतना वैल्यूएबल नहीं होगा। इसलिए प्लीज़, मेरा मानना तो आप अगर स्टार्टिंग या न्यू चैनल स्टार्ट किए हो तो चैनल को सब्सक्राइबर काउंट को आप टिक करके नहीं रखना, इसको ऑफ करके ही रखना आप। उसके बाद नीचे देखिए, राइट हैंड साइड के सबसे नीचे वाले लाइन में लिखा हुआ है कैंसल या सेव। जैसे सेव पे क्लिक कर देंगे आपका पेज सेव हो जाएगा, मीन्स आपका चैनल का जो भी सब्सक्राइबर था वो हाइड हो चुका है। दोस्तों, घबराना मत आप, इसमें आपको टाइम लग जाएगा, 30 मिनट या 35 मिनट टाइम लग जाता है, YouTube आपको सपोर्ट ले लेगा, उसके बाद आपका जो भी चैनल सब्सक्राइबर है वो हाइड हो जाएगा। इसके बाद भी अगर आपको प्रॉब्लम हो रहा है तो आप मेरे चैनल सेक्शन में जाके और कमेंट में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको ज़रूर से ज़रूर हेल्प करूँगा। और मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू।